मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुबह चहल पहल, दोपहर को बंद, एक यात्री सेवा से टैक्सी चालकों की मुसीबतें बढ़ी, कलमेश्वर में 39 बारिश। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सुबह चहल पहल, दोपहर को बंद, कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि अब सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों में मरीज की संख्या बढ़ने लगी है। इस बीच प्रशासन द्वारा वायरस की चेन तोड़ने के लिए बुधवार से लॉकडाउन में और सख्ती बरती गई। इसका असर भी देखने को मिला। सुबह के वक्त दुकानों में चहल पहल दिखाई दी, लेकिन दोपहर के बाद सड़कों पर कम लोग दिखाई दिए। बुधवार से बरती गई सख्ती से कुछ हद तक कोरोना की चेन टूटने से मदद मिल सकती है। सुबह के वक्त किराना, सब्जी, फल आदि दुकानों में लोगों की चहल पहल बनी रही। लोगों ने जरूरत का सभी सामान खरीदा। जगह जगह लगी सब्जी दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी गई। हालांकि कुछ हिस्सों में दुकानों के सामने भीड़ भी लगी, लेकिन पुलिस की गश्ती के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए सामान खरीदते नजर आए। लेकिन दोपहर 1 बजते ही सभी दुकानें बंद हो गई। इसके साथ ही सड़कों पर वाहनों की संख्या भी कम देखने को मिली। केवल आवश्यक सेवाओं में शामिल लोग ही बाहर निकले। तो वही दूसरी ओर एक यात्री सेवा से टैक्सी चालकों की मुसीबतें बढ़ी। नागपुर सिटी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के कारण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। मनपा ने अपने आदेश से आम जनता और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ यात्री सेवाओं के लिए भी अलग अलग निर्देश जारी किए है। आदेश में टैक्सी चालकों के लिए यात्री क्षमता के अनुसार 50% यात्रियों को बैठाने की अनुमति दी गई है। इसके अनुसार कार में 2 यात्रियों को बैठाया जा सकता है, लेकिन यातायात पुलिस के अनुसार टैक्सी कार में केवल 1 ही यात्री को बैठाने की अनुमति होने के आदेश का हवाला देकर टैक्सी चालकों और सवारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। 2 यात्रियों को बैठाने पर सीधे 500 रुपए का चालान वसूल किया जा रहा है। इस संबंध में महाराष्ट्र एप बेस्ड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्य दीपक साने के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मनपा आयुक्त, महापौर, पुलिस उपायुक्त, यातायात विभाग से मिलकर अपनी समस्याओं का एक ज्ञापन सौंपा। तो वही तीसरी ओर कलमेश्वर में 39 बाधित। बुधवार को कलमेश्वर में 39 कोरोना संक्रमित पाए गए। इसमें शहर में मिले 12 व ग्रामीण के 27 पेशेंट का समावेश है। सेलू, सावंगी, ऊपरवाही, घोराड, सोनेगांव, वरोड़ा, सावली, भानगी, खेरी, चौकडोहा में प्रत्येकी 1 संक्रमित पाया गया। धापेवाड़ा में 4, गोंडखेरी में 3, परसोड़ी में 4, मांडवी पिपला में 2-2 व महोपा अर्बन में 2 संक्रमित पाए गए। ग्रामीण में 68 आरटीपीसीआर व 378 एंटीजन टेस्ट की गई। कुल 456 लोगों की जांच की गई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। नमस्कार।